जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। 1997 में ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक कमेटी ने दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। नेशनल लेवल के सबसे तेज स्प्रिंटर्स बुलाए गए, जो लगभग 10 सेकंड में 100 मीटर भागते थे। मतलब ये एथलीट्स पहले से ही अपनी क्षमताओं के चरम पर दौड़ रहे थे। इन एथलीट्स को रेस के पहले 3 शब्द सिखाए गए। ये शब्द इनके दौड़ने की स्ट्रेटजी और टेक्निक को दर्शाते थे, जो इन्हें रेस के दौरान याद रखने थे। जैसे रेस के पहले हिस्से यानी 0 से 30 मीटर में स्प्रिंटर्स को पुश शब्द पर फोकस करने बोला गया, क्योंकि इस हिस्से में धावकों को एक्सेलरेट करना होता है। रेस के बीच के हिस्से यानी 30 से 60 मीटर के लिए हील शब्द दिया गया, जिससे स्प्रिंटर्स का ध्यान टॉप स्पीड मेंटेन करने पर रहे। स्प्रिंटर्स को रेस के आखिरी कदम तक अपनी बची कुची शक्ति निचोड़नी होती है। इस बात पर ध्यान बनाए रखने के लिए स्प्रिंटर्स को 60 से 100 मीटर के लिए क्लॉ शब्द दिया गया। ओलंपिक कमेटी और कोच ये देखना चाहते थे कि क्या परफॉर्मेंस क्यूज से यानी इन शब्दों के उपयोग से स्प्रिंटर्स कंसिस्टेंटली तेज भाग सकते हैं। रिजल्ट में पाया गया कि 12 में से 11 स्प्रिंटर्स ने परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाए। स्प्रिंटर्स का औसतन समय 0.26 सेकंड से गिर गया था, यानी एथलीट्स की स्पीड 2% से बढ़ गई थी। ये 2% बहुत बड़ा नंबर है। इसके दो कारण हैं। पहला, क्योंकि ये लोग पहले से ही शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के चरम पर थे, यहाँ छोटा इम्प्रूवमेंट भी बहुत मायने रखता है। दूसरा, ये बदलाव चंद घंटों में आया था। स्प्रिंटर्स को रेस के कुछ देर पहले ही परफॉर्मेंस क्यूज का उपयोग करना सिखाया गया था। परफॉर्मेंस क्यूज यानी वो शब्द जो आपको प्रैक्टिस या कॉम्पिटिशन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक को याद रखने में मदद करते हैं। वहीं परफॉर्मेंस स्टेटमेंट्स थोड़े पर्सनल हो जाते हैं, जो आप खुद बनाते हो। इनमें आपकी स्ट्रेटजी, टेक्निक और फीलिंग का मेल है। सन 2000 में शॉन टाउनसेंड अपने देश के सबसे अच्छे आर्टिस्टिक जिमनिस्ट माने जाते थे। वे 2004 ओलंपिक्स के गोल्ड के लिए प्रबल दावेदार थे। ओलंपिक्स की तैयारी के दौरान उनके घुटने में चोट लग गई। ओलंपिक्स तो छूटा ही। शॉन अगले 6 साल चोट से परेशान रहे। ना उनकी चोट कभी पूरी तरह ठीक हुई, ना वे ढंग से ट्रेन कर सके, ना ही बड़े स्तर पर कोई मेडल जीते। कोच कहते हैं कि शॉन बहुत मेहनती लड़का था। हमको संवेदना थी कि बारिश में चिंगारी जैसा शॉन का करियर है, कभी भी बुझकर खत्म हो जाएगा। फिर इस बीच शॉन को 10 मिनट्स टफनेस रूटीन सीखने भेजा गया, और एक्सीडेंट के 7 साल बाद सबको चौंकाते हुए शॉन नेशनल चैंपियन बने। शॉन किताब में बताते हैं कि चोट लगने के बाद मैं ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर पाता था, जिस कारण कुछ मसल्स वजन और झटका नहीं ले पाती थी, जिससे मुझे और चोटें लगती। उम्र निकलती जा रही थी और मेरे करियर का कोई ठिकाना नहीं था। इस नेगेटिव लूप के कारण मेरा ध्यान हमेशा रिजल्ट पर रहने लगा। मैं हर समय भविष्य के बारे में सोचने लगा, इसलिए मैं कभी कॉम्पिटिशन में पूरे फोकस के साथ परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। मेंटल टफनेस के लिए शॉन ने परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बनाया, वन स्किल एट अ टाइम, वन रूटीन एट अ टाइम। शॉन के लिए ये स्टेटमेंट बहुत पर्सनल था, क्योंकि शॉन ये बात महसूस करते थे कि कॉम्पिटिशन में उन्हें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए और ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा सीखने के लिए प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। शॉन ने इस परफॉर्मेंस स्टेटमेंट का उपयोग पूरी ट्रेनिंग में किया। वे हर ट्रेनिंग सेशन के पहले गहरी सांस लेकर शांत होते, फिर विजुलाइज करते कि वे अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं और फ्लो में आकर बड़े आराम से टेक्निकल रूटीन्स पूरे कर रहे हैं। विजुलाइजेशन के इस समय वे मन ही मन परफॉर्मेंस स्टेटमेंट को दोहराते। इसके साथ साथ शॉन जब भी प्रैक्टिस के दौरान अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड पाते, तो तत्काल परफॉर्मेंस स्टेटमेंट का प्रयोग करते, जिससे वो फ्लो और प्रेजेंट मोमेंट की फीलिंग से जुड़ जाते। शॉन इतना अभ्यास कर चुके थे कि इंटेंस कॉम्पिटिशन के प्रेशर में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। दोस्तों, लोग कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, असल में यह पॉजिटिव डूइंग। एक अच्छा परफॉर्मेंस स्टेटमेंट आपको प्रेजेंट में रखता है, सोच को सिंपल रखता है और सीधे एक्शन से जोड़ता है। ऐसा एक्शन जो आपकी सफलता में सबसे बड़ा सहायक है। जेसन सेल्क बड़ी उम्दा बात कहते हैं कि परफॉर्मेंस स्टेटमेंट एबिलिटी को आउटकम से जोड़ते हैं, यानी सामर्थ्य को परिणाम से जोड़ते हैं। केवल एथलीट्स ही नहीं, बल्कि डॉक्टर्स, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स, एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट्स, हर कोई जो प्रेशर में काम करते हैं, डिस्ट्रैक्शन और नेगेटिव इमोशन से गुजरते हैं, वो सब परफॉर्मेंस स्टेटमेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं।
तो सवाल ये है कि कैसे ढूंढे परफॉर्मेंस स्टेटमेंट और कहाँ से शुरू करें। स्टेप वन है सिंगल आउट द स्पेसिफिक एक्शन। सबसे पहले एक प्रोसेस को निश्चित करें और उस प्रोसेस में एक एक्शन जो आपकी परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा किरदार निभाता है। सिंगल आउट द स्पेसिफिक एक्शन फॉर सक्सेस। इसको एक एथलीट की प्रैक्टिकल कहानी से समझते हैं। जेसन अपनी किताब में बताते हैं कि एक बेसबॉल हिटर था जिसका काम था कि आखिरी राउंड में तबातोड़ बैटिंग करना, लेकिन कुछ समय से उसे पिच के बाहर यानी ऑफ साइड वाली बॉल्स को मारने में दिक्कत होती थी और प्रेशर में बाहर जाती हुई बॉल्स पर वो कैच दे बैठता। उसने परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बनाने के लिए सोचा कि मेरा आखिरी काम है गेंदों को बाहर पहुंचाना। ऐसा करने के लिए यानी सही से बल्ला घुमाने के लिए मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण एक्शन क्या है। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा सीइंग द बॉल। एक बार नज़र बॉल पर सेट हो जाए तो शॉट खेलना आसान है। बेसबॉल हिटर ने आगे कहा कि फिर बॉल देखने के बाद अगला ज़रूरी प्रोसेस है बल्ले को टाइम करना। ज़्यादा तेज मारने के चक्कर में बॉल छूट जाती है। कुछ देर सोचने के बाद उसके अगले शब्द थे शॉर्ट एंड ईजी। ये शब्द सुनते ही उसे सही टाइमिंग और बैट स्विंग की फीलिंग आ जाती थी। बेसबॉल हिटर का परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बना सीइंग द बॉल शॉर्ट एंड ईजी। परफॉर्मेंस स्टेटमेंट का दूसरा कदम है इसको बेहतर करते जाना। फिर कुछ दिन सोचने और प्रैक्टिस करने के बाद वो बैट्समैन कहता है कि मुझे परफॉर्मेंस स्टेटमेंट और बेहतर करना है। जेसन कहते हैं कि परफॉर्मेंस स्टेटमेंट को बेहतर करते रहने से हम उस एक्शन की फीलिंग से कनेक्ट हो जाते हैं। सही एक्शन पर हमारा ध्यान लॉक हो जाता है जिससे हाई प्रेशर में बाकी लोगों की तरह हमको विचारों के उन्माद परेशान नहीं करते। जेसन साहब ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे लिए सीइंग द बॉल देखना इतना ज़रूरी क्यों है। वो बैट्समैन कहता है क्योंकि मैं जल्द से जल्द उसकी लेंथ और फ्लाइट पकड़ना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद बोला पिकअप अर्ली सी द फ्लाइट। स्टेप नंबर 3। जेसन सेल कहते हैं कि अगर आपको सोचने में दिक्कत आ रही है तो सोचो आपका फेवरेट कोच जिसकी आप बहुत इज्जत करते हो, वो आपके जीवन के सबसे बड़े कॉम्पिटिशन शुरू होने से पहले क्या कहेगा। इससे आपको सोचने का नया तरीका मिल जाता है। बैट्समैन ने इमेजिन किया कि वर्ल्ड सीरीज के फाइनल मैच में उसका फेवरेट कोच उसे क्या कहेगा। कुछ सोच विचार और एक्सपेरिमेंट के बाद उस बैट्समैन ने परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बनाया पिकेट अप अर्ली शॉर्ट एंड ईजी। दोस्तों आप गहराई से सोचिए, सबसे ज़रूरी प्रोसेस का सबसे ज़रूरी एक्शन जो आपकी परफॉर्मेंस को सफल बनाता है, कौन सा विचार है जो आपको पीक स्टेट में पहुंचा देता है। जैसे आप कहते हो लेट्स डू इट, अंदर बोलते ही जोश आ जाता है, तो खुद से पूछिए कि लेट्स क्या डू इट। किसी के लिए पुश, किसी के लिए ब्रीद, किसी के लिए शब्द आएगा फोकस। इसलिए परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बहुत पर्सनल होते हैं। अब पर्सनल की बात हुई है तो मैं अपना स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। क्रिएटिव और ओरिजिनल काम करने के लिए मुझे एफर्टलेस कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। कंसंट्रेशन को मैं पर्सनली साइलेंस के रूप में अनुभव करता हूँ। इसके साथ मैंने महसूस किया कि काम में जल्दी जल्दी करने वाली फीलिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं बहुत जल्दी थक जाऊँगा। जिसके लिए दूसरा शब्द है फ्लो, जो शॉर्ट फॉर्म है यू आर ऑलरेडी इन द फ्लो। फ्लो में आने के बाद ब्रेक कब लगता है, जब अपनी अपेक्षा के अनुसार काम नहीं होता। तो तीसरा शब्द है सरेंडर, सरेंडर टू द प्रोसेस, मतलब प्रोसेस के छोटे छोटे स्टेप्स को पूरा ध्यान देना। मेरे लिए सरेंडर का मतलब इंटेंसिटी भी है। तो मेरा व्यक्तिगत परफॉर्मेंस स्टेटमेंट है साइलेंस, फ्लो, सरेंडर। जब भी मुझे लिखना शुरू करने में दिक्कत आएगी, जब भी मुझे लगेगा कि फ्लो में आने के लिए मेरे पास अभी समय नहीं है, तब मैं गहरी सांस लेकर परफॉर्मेंस स्टेटमेंट पर फोकस करूंगा और इसकी फीलिंग के द्वारा सीधे अपने एक्शन से जुड़ जाऊंगा। जेसन सेल कहते हैं कि हाई प्रेशर में एक जगह ध्यान लॉक करने के लिए परफॉर्मेंस स्टेटमेंट का छोटा, सटीक और पर्सनल होना ज़रूरी है, जिससे आपका ध्यान सबसे ज़रूरी एक्शन पर रुक जाए। इसलिए दोस्तों परफॉर्मेंस स्टेटमेंट को रिवाइज करते रहना ज़रूरी है। पहले परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बनाया था ब्रीथ एंड एंगेज, फिर कई बार दोहराने और प्रयोग करने के बाद रियलाइज़ किया कि अभी काम करना बहुत ज़रूरी है। हम परफॉर्मेंस स्टेटमेंट को हर उस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जहां हम बदलाव लाना चाहते हैं या जहां हम नेगेटिव इमोशन में बह जाते हैं। जैसे अगर हमको अक्सर गुस्सा आता है तो हमारा परफॉर्मेंस स्टेटमेंट हो सकता है ब्रीथ, स्माइल ऑन द इनसाइड, रिलैक्स। जब आप बिना मेंटल डिस्ट्रैक्शन के हाई प्रेशर में खेल जाते हो, डिस्ट्रैक्शन में काम कर जाते हो
और भावनाओं के वेग में स्थिर रहते हो तो आपका पैशन और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दोस्तों, समरी में जेसन बड़ी काम की बात कहते हैं, बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तब आपको किन शब्दों, फीलिंग और इनके द्वारा कौन से एक्शन पर फोकस करना है। दोस्तों, अभी वेट मत कीजिए, वीडियो के इस समय से बेसबॉल हिटर की कहानी दोबारा सुनिए और साथ में वीडियो पॉज करते हुए अपना परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बनाते जाइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कंसिस्टेंसी और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी पर वीडियो देखिए कि कैसे ब्रीदिंग का आपके माइंडसेट और इंटेलिजेंस पर असर पड़ता है। अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।